हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का सुमन ब्लिस ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज बना रही हूँ मैं खीर और पुए। ये है होली के दिन का ब्लॉग, जिस दिन होली हमको पूछनी थी उस दिन का, तो बना के रखा था बट अपलोड नहीं कर पाई थी। चलो आज मैं कर देती हूँ। तो अगर आप लोगों को ऐसे ब्लॉग और वीडियो पसंद आते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट भी करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। तो मैंने भगोनी में दूध चढ़ा दिया है खीर बनाने के लिए। अब मैं खीर में चावल डालूंगी। बस मुझे दो जन के लिए खीर बनानी थी तो बहुत ही कम, यानी कि आधा लीटर दूध लिया था, थोड़ा सा हल्का सा पानी डाला था। और मैं चावल को लेकर आई हूँ धो के। अब मैं चावल को डाल देती हूँ दूध में और इसको चलाती रहेंगे, वरना ये चावल चलाएंगे नहीं तो चिपक जाएंगे नीचे। तो मैं चावल डाल देती हूँ, फिर इसको चलाती रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, जब तक हमें इसको ऐसे ही चलाना पड़ेगा। और साइड में मैंने गुड़ को भिगो के रखा था पानी में, जिससे कि वो जल्दी गुड़ घुल जाए। तो अभी भी शायद घुला नहीं है, थोड़ा बहुत बाकी है, तो मुझे लेट हो रहा था तो मैंने सोचा चलो पहले भिगो के रख दिया था। तो अभी तेल लेकर आई थी मैं, तो डब्बे में मैंने निकाल के रख दिया तेल, थैली में दिया था उन्होंने। और मैं ज़्यादा लेकर नहीं आती हूँ, जितनी हमको ज़रूरत होती है उसके हिसाब से लेकर आती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत सारा ला के, जिसकी मतलब जैसी व्यवस्था हो जाती है वैसा लेकर आते हैं। मैं तो मतलब कभी कभी 15 किलो वाली जो आता है डब्बा वो भी लेकर आते हैं, लेकिन कभी व्यवस्था नहीं बन पाती है तो थोड़ा थोड़ा भी लेकर आते हैं। तो अभी मैं जो हमने गुड़ भिगो के रखा था उसको फोड़ लेते हैं। थोड़ा बहुत बाकी है उसमें, शायद अच्छे से गला नहीं है गुड़, तो उसको मैं फोड़ लेती हूँ हाथों से। और फिर शायद फूट नहीं रहा था मुझसे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है इसको छलनी से छान लेती हूँ। फिर जो गुड़ बचे जो खड़ा हुआ उसमें गुड़ होगा, जो घुला नहीं होगा वो छलनी में आ जाएगा, तो उसे हम बाद में देख लेंगे। या फिर देखो घुल नहीं रहा था, मैं उसको हाथों से खोलने की कोशिश कर रही थी बहुत, पर वो खुल नहीं रहा था, तो मैंने उसको छान लिया। छान के दूसरी भगोनी में ले लिया। यहाँ पर मेरी खीर में भी उबाल आ गया है, तो अब मैं गैस को बिल्कुल धीरा करना पड़ेगा, एकदम कम करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी खीर निकल के बाहर आ जाएगी। और गैस हमारे यहाँ तो होली के दिन जो होली होती है उसको खीर और पुए से पूजते हैं हम, उसकी पूजा करते हैं। आप लोग किससे करते ज़रूर बताना। और ये मैंने जो फ्रूट कलर आता है वो ऑरेंज कलर डाल दिया, जैसे बहुत ही अच्छा कलर आता है। और अब मैं डालूंगी इसमें सौंफ। पुए जब भी आप पुए बनाओ तो उसमें सौंफ डाल के ज़रूर देखना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो मैंने ये ले लिया, गेहूं का आटा छान के रख लिया था, तो वो ले लेती हूँ मैं। हाथ से अच्छे से मिलाती हूँ जाके इसमें कोई भी गुठली ना रहे, तो अपने हिसाब से मिलाती चलती हूँ, उसके सही हो जाएगा, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा थिक, उसके हिसाब से इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। पहले मैं छोटे छोटे पुए बनाऊँगी पूजा के लिए, फिर छोटे छोटे, फिर मैं जो मालपुआ होता बड़ा वाला फिर मैं वो बनाऊँगी, कि पूजा के लिए थोड़े से बना लेंगे, फिर उसके बाद मालपुए यानी कि बड़े वाले जो पुए आते हैं वो बना लेंगे दो चार बस। तो अच्छे से हमारा घोल रेडी हो गया, तो मैं हाथ धो कर आती हूँ। तो मैं अभी दूसरी वाली गैस चालू कर देती हूँ चूल्हा, जो दूसरा वाला, और उस पर जो हमारी खीर थी वो रख देती हूँ। और ये बड़ा वाला गैस चूल्हा है, तो इस पर मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और तेल उसमें डाल देती हूँ। थोड़ा इसमें जो पानी है वो पानी सूख जाए तो फिर मैं इसमें तेल डाल देती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी इसमें पूरे फटाफट से। और हमारी खीर भी देखो मान ही नहीं रही है, वो निकलने का मन कर रही है। और मैं साथ ही साथ में दूसरे कुछ काम भी देखती रहती हूँ, क्या करूँ सब करना पड़ता है, तो मैं शायद कुछ काम करने के लिए गई हूँ। तो मैं डाल देती हूँ तेल, तो अभी मैंने डाल दिया है तेल, तो अभी तेल गर्म हो रहा है, अच्छे से मैं गर्म होने दूंगी तेल को। तो अब हम खीर में डालेंगे जो हमारे नारियल का, जो कसा हुआ नारियल आता है वो हम लेकर आए थे, तो वो हम डाल देते हैं उसमें।
ये थोड़ा मोटा कसा हुआ नारियल है, तो अब मैं इसमें जो बादाम, और बादाम तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं काजू लेकर आई थी, तो मैं काजू डाल दूँगी। अभी काट लेती हूँ फटाफट से मैं, जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है। पता नहीं क्या आ गया था तेल में, तो मैं अभी काट लेती हूँ फटाफट से हमारे काजू और बादाम, और नारियल का बुरादा था वो तो मैंने डाल दिया है, तो मैं फटाफट से अभी तो खीर कुछ ज़्यादा नहीं है, बस दो जन के लिए बना रहे हैं, तो उसी के हिसाब से डाल देती हूँ मैं, बाकी का सब उठा के रख देती हूँ, फिर बाद में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसका यूज़ कर लेंगे। तो मैंने काट लिया तो मैं वो डाल देती हूँ अभी, तो उसको चला देती हूँ, गैस को कर देती हूँ धीमा। तो अभी हमारा तेल भी गर्म हो गया है, तो मैं पूरे छोटे छोटे पूरे बनाऊँगी, इस तरीके से बनाना है। हमारे गांव में ज़्यादातर ऐसे पूहे बनते हैं, बस उसमें कलर नहीं डालते, लेकिन कलर से मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, रेड रेड ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल से तो खाने में भी टेस्ट उसका चेंज हो जाता है और देखने में भी कलर उसका चेंज हो जाता है। तो अभी हमारे पूहे सीख रहे हैं धीरे धीरे से, तो अभी मैंने पलट दिए हैं उनको। गांव में आप कहीं भी जाना तो आपको ऐसे ही पूहे मिलेंगे, हाँ ये हो सकता है कि साइज में छोटे या बड़े हों, बट होते ऐसे ही हैं। तो मैं उनको अच्छे से दबा दबा कर अच्छे से सेक रही हूँ, जिससे कि वो अंदर से भी अच्छे से सिक जाए। तो देखो कितना अच्छा कलर आया है, लाल लाल, मुझे बहुत मतलब इस तरीके से। और अगर हम इसमें कलर नहीं ऐड करते, फ्रूट कलर जो होता है वो ऐड नहीं करते हैं, तो फिर वो थोड़े काले काले जैसे हो जाते हैं गुड़ की वजह से, तो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते देखने में। बट हम कलर डाल देते तो उससे बहुत ही अच्छा इसका मतलब इतना अच्छा कलर आ जाता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप लोग देख लो खुद। तो अब मैं देखो इतने से पूजा हो जाएगी हमारी, तो अब मैं बनाऊंगी बड़े बड़े मालपुए। तो मालपुए के लिए इसको बैटर को थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, वरना अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैं इसको पतला कर लेती हूँ थोड़ा पानी डाल के। अब मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ आप लोग खुद देख लीजिए, और गैस आप लोगों से अब तो बनाती रहूँगी, आप लोग देखते रहना। अब मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि पता नहीं मतलब हर यूट्यूबर को ये बीमारी हो जाती है, और मुझे भी आकर हो ही गई, मतलब बीमारी ही समझो, क्योंकि हर जगह सोते जागते उठते बैठते मतलब हर जगह दिमाग में एक ही बात आती है कि अब वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, अब कैसा वीडियो बनाएं। और मेरे ख्याल से ये बीमारी हर यूट्यूबर को होती है, और मुझे भी मतलब जो भी यूट्यूब चालू करता है उसको ऑटोमेटिकली हो जाती है, जैसे कि हर वक्त दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है कि क्या आज कौन सा वीडियो बनाएं, आज टाइटल क्या रखें, या फिर थंबनेल कैसा बनाएं, बस यही दिमाग में चलता रहता है। बस वैसे ही मेरे दिमाग में भी चलता रहता है कि आज क्या थंबनेल बनाऊं, क्या टाइटल रखूं, क्या करूं, कौन सा वीडियो बनाऊं जो अच्छे से वायरल होगा, ज़्यादा चलेगा। मैं बस यही मतलब मैं क्या हर कोई यही समझता, तो इस तरीके बस बीमारी जैसी लग गई है, एक लत बोलते हैं ना लत, बस उसी तरह से लत लग गई है कि अब तो मतलब एक तरह की हैबिट जैसे, जब तक वीडियो बना के अपलोड नहीं कर देते तो पता नहीं कैसा लगता है कि कुछ मिस कर दिया है, ऐसा फील होता है। तो हम यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब लाइफ का एक हिस्सा जैसा बन जाता है कि हमने कुछ मिस कर दिया अगर वीडियो ना बनाए ना अपलोड करें, तो इस तरीके का हमें महसूस होता है। चलो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो जो व्यूवर्स हैं उनसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। अगर देखो जनता चाहे तो क्या ना हो जाए, तो बस उसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो वॉच कीजिए फुल। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो बन के तो रेडी हो गया है मेरा खीर और पुए, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।